नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक यूरोलॉजिस्ट और एक एंड्रोलॉजिस्ट मतलब पुरुष रोग विशेषज्ञ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिंग की नॉर्मल लंबाई और नॉर्मल चौड़ाई या लिंग की नॉर्मल लंबाई या नॉर्मल मोटाई कैसे नापे और कितनी नॉर्मल होनी चाहिए। क्या साइंस कहती है कि नॉर्मल जो हमारे इंडियन साथी है, जो हमारे इंडियन और साउथ ईस्ट एशिया जो बोलते हैं, मतलब इधर हो गया पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश और ऊपर जम्मू से लेकर नीचे श्रीनगर तक, एवरेज नॉर्मल लेंथ कितनी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूंगी कि मैं पेनिस का इंडिया में फोरमोस्ट सर्जन हूँ और पेनिस की हर तरह की सर्जरियाँ मेरे क्लिनिक पे होती है, तो मेरे पास लिंग की लंबाई और मोटाई को लेके बहुत सारे पेशेंट आते हैं। पर सबसे पहली बात यह है कि जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल क्या है, मतलब क्या क्या आप नॉर्मल हैं। अगर नॉर्मल से कम है या नॉर्मल से ज़्यादा है तो उसका इलाज नहीं की ज़रूरत पड़ सकती है, पर अगर आप नॉर्मल है तो आपको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं। पर नॉर्मल किस कंपैरिजन में, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं एक महीने में हज़ारों मरीज़ देखता हूं, तो मेरा पर्सनल डेटा है जिसमें हम लोग सारी फाइंडिंग्स या रीडिंग्स या लेंथ और चौड़ाई को रिकॉर्ड करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी स्टडीज़ है जो इंटरनेशनली हुई है जो इस बात पे कमेंट करती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो जो हमने रिसर्च की है और जो जो मेरे डेटा है उसमें आप नॉर्मल लेंथ को नापे कैसे। तो पेनिस की लेंथ को हम तीन तरीके से नापते हैं। एक होता है फ्लैसिड लेंथ। फ्लैसिड लेंथ मतलब कि अगर पेनिस तनाव में नहीं है तो पेनिस की लेंथ कितनी है, इसको नापते हैं प्यूबिक सिंफाइसिस। प्यूबिक सिंफाइसिस मतलब जो आपके पेनिस की जड़ पे जो फैट है उस लेवल से लेके पेनिस की टिप तक को अगर आप टेप से नापे तो वो लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसको फ्लैसिड लेंथ बोलते हैं। और अगर हम एवरेज इंडियन फ्लैसिड लेंथ की बात करें तो वो 3.2 इंचेस या 3.2 इंच अगर है तो वो नॉर्मल है। इससे 0.5 इंच ऊपर या नीचे हो सकता है, वो नॉर्मल है। कई बार ये मिसकंसेप्शन होती है कि इंडियन पेनिस साइज छोटा है और दुनिया भर में या विश्व भर में पेनिस साइज बहुत बड़ा है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी इसलिए है क्योंकि वीडियोस से या पॉर्न वीडियोस देख के मरीजों के मन में गलतफहमी हो जाती है। पॉर्न वीडियोस में यूजुअली उन ही आदमियों को लिया जाता है जिनकी या तो इम्प्लांट्स किए गए हैं या जिनकी नेचुरल लेंथ दुनिया से हटके है, पर एवरेज इंटरनेशनल लेंथ। तो एक स्टडी है यूके से जिसमें इन लोगों ने यूनाइटेड किंगडम लंदन में 15,000 आदमियों में लेंथ नापी, जिसमें अफ्रीकन्स भी थे, अरब्स भी थे, अमेरिकन्स भी थे, कॉकेशियंस भी थे, इंडियंस भी थे। तो उन्होंने पाया कि एवरेज लेंथ जो है वो 3.6 इंचेस थी, जो कि इंडियन एवरेज लेंथ से सिर्फ 0.4 इंच ही ज़्यादा है। एक स्टडी की गई अरब्स में जो कि हमारे सऊदी अरब जो बोलते हैं ना अरेबिक कंट्रीज से जो मेन थे, उसमें पाया गया कि जो एवरेज फ्लैसिड लेंथ थी वो 3.9 इंचेस थी, जो इंडियन से अराउंड 0.7 इंच ज़्यादा है। पर इतना कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं पाया गया फ्लैसिड लेंथ में। फिर दूसरी बात जो करते हैं वो होती है इरेक्ट लेंथ। इरेक्ट लेंथ मतलब नॉर्मली जो पेनिस है वो टोन में होता है, कई बार बहुत श्रिंकेज में होता है, पर जब पेनिस इरेक्ट होता है तो पेनिस की लेंथ बढ़ जाती है। कई मरीजों को देखा है जिनकी फ्लैसिड लेंथ बहुत छोटी होती है पर इरेक्ट लेंथ बिल्कुल नॉर्मल या बिल्कुल ठीक साइज की हो जाती है। तो अगर हम स्टडीज़ में देखें तो जो इंडियन एवरेज इरेक्ट लेंथ है, इरेक्ट लेंथ में सेम तरीके से नापते हैं पर इरेक्शन में, जहां आप अपने पेनिस की जड़ से लेकर पेनिस के टिप तक जो लेंथ नापते हैं इसको इरेक्ट लेंथ बोलते हैं। तो जो स्टडीज़ की गई इंडियंस में उसमें पाया गया कि इरेक्ट लेंथ नॉर्मल जो इंडियंस की है वो 5.11 इंच है प्लस माइनस 0.5, और यही सेम लेंथ जो इंटरनेशनल पेशेंट्स में नापी गई तो वो 5.16, मतलब कोई फर्क नहीं था बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल इन टर्म्स ऑफ लेंथ। हाँ, डेफिनेटली कुछ स्टडीज है अरब्स में और अफ्रीकन्स में जिसमें बहुत ज़्यादा लेंथ भी पाई गई, पर एवरेज मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज मतलब क्या नॉर्मल है आपकी और आपके पार्टनर की संतुष्टि के लिए। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है कि पेनाइल गर्थ। कई बार मरीज आता है कि लेंथ तो अच्छी है पर पेनिस बहुत पतला लगता है, जड़ से पतला लगता है, तो पेनिस की गर्थ कैसे नापे। नॉर्मली हम जो पेनिस की टिप है और पेनिस की जड़ है उसके बीच में जो वाइडेस्ट डायमीटर है उस डायमीटर की सर्कमफ्रेंस नापते हैं। डायमीटर को भी डायमीटर नहीं नापते, हम उस पेनिस की जो सर्कमफ्रेंस है उसके अराउंड टेप को लपेट के उसको नापते हैं। तो ये भी दो तरीके से नापी जाती है, एक होती है फ्लैसिड में जब तनाव नहीं है और एक होता है इरेक्शन में जब तनाव हो। तो फ्लैसिड में ये लेंथ एवरेज इंडियन में 3.5 इंच और इरेक्शन में 4.5 इंच, जो कि बिल्कुल सेम है इंटरनेशनल स्टडी के अंदर भी। दोनों स्टडीज़ के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो स्टडीज़ आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कोटेड फेमस स्टडीज़ है। और वही इंटरनेशनल पेशेंट्स में उन्होंने पाया कि वही लेंथ है जो इंडियंस की है 3.6 और 4.59, तो बहुत फ़र्क नहीं है इंडियन एवरेज लेंथ में और इंटरनेशनल एवरेज।
लेंथ में। अब कुछ स्टडीज है जो बेसिकली जो ये हमारे आयुर्वेदिक दोस्त है या जो है जो मरीजों को भ्रमित करने के लिए स्टडीज दिखाते हैं, ये स्टडीज नॉर्मली अरब मरीजों में या अफ्रीकन मरीजों में की गई है। डेफिनेटली अरब और अफ्रीकन रेस डिफरेंस मतलब कि रेस में डिफरेंस हो सकता है। हो सकते हैं कि इंडिया में ऐसे कुछ लोग हो जिनका लेंथ इससे बहुत ज़्यादा हो या ऐसे जो लोग हैं जिनका लेंथ बहुत कम है। पर मैं फिर से बोल दूँ आपको कि सिर्फ लेंथ को लेके परेशान ना होइए। अगर लेंथ कम भी है पर अगर आपका तनाव अच्छा है और आपका स्टैमिना अच्छा है तो आपको लेंथ बढ़ाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। डेफिनेटली पी शॉर्ट सर्जरी से लेंथ इंक्रीज गर्थ इंक्रीज पॉसिबल है, पर वो तभी कराए अगर आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा निसंतुष्ट हैं अपनी नॉर्मल लेंथ और नॉर्मल गर्थ से। तो अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई डाउट्स हो, लेंथ साइज़ के बारे में कोई डाउट्स हो, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरा एक वीडियो और है जिसमें मैंने बात की है कि हम किस तरह से लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसका लिंक ऊपर दिया गया है। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक रिक्वेस्ट और है, मैंने सेम वीडियो इंग्लिश में भी बनाने का फैसला किया है, तो मेरे इंग्लिश यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अंग्रेज़ी में कंटेंट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।